जय। हाय दोस्तों, मैं अत्रि स्वागत करता हूँ आपका माय नॉलेज के एक दूसरे वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्क्रीन शॉट को कैसे एक 3D इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप आज के ज़माने में यूट्यूब क्यों यूज नहीं करता है, सब लोग यूट्यूब यूज करते हैं। ठीक है, तो आज मैं अपने यूट्यूब को 3D में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये प्रैक्टिकल है। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको ये पिक्सल लैब डाउनलोड करने होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पिक्सल लैब आपको डाउनलोड करनी होगी। तो मैंने पिक्सल लैब डाउनलोड कर ली है, ये देखिए इसका आइकन दोस्तों, पी वाला। ठीक है, तो फिर आपको अपने यूट्यूब का जो चैनल है, देखिए दोस्तों ये तो आप अभी मैं यूट्यूब खोल रहा हूँ। तो देखिए यूट्यूब का जो आपका चैनल है उसमें आप अपने चैनल में जाके उसके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने अपना एक स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो और अब मैं इसको 3D इमेज में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब होम पे चले जाते हैं। अब पिक्सल लैब खोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक न्यू टेक्स्ट करके लिखा है, तो इसको आप डिलीट कर दीजिए सिंपली डस्टबिन के आइकन को क्लिक करके। फिर आप प्लस में चले जाइए, यहाँ पे आप फ्रॉम गैलरी को सिलेक्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, ये मेरा स्क्रीनशॉट है, ये मैं अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं अभी आपको थोड़ा वही इतना ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो फिर दोस्तों ये जो बीच, हाँ अभी ठीक है, तो ये बीच वाला जो आइकन है उस पर चले जाइए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक देखिए दोस्तों, एक ये 3D शेप है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इसको आप इनेबल करना है। ठीक है, इसको आपका भी इनेबल करना है। और फिर नीचे स्क्रॉल करते जाइए और यहाँ पे जो वायर रोटेशन लिखा है उसको आप बढ़ा दीजिए जितना आपको मन करे उतना। ठीक है, देखिए दोस्तों मैंने इतना बढ़ाया है। फिर आप क्या कीजिए, इसकी जो डेप्थ है जो अभी ये 10 है इसको आप बढ़ा दीजिए ताकि ये थोड़ा और भी 3D लगे। ठीक है, देखिए मैंने दोस्तों मैंने ये डेप्थ अभी इसकी 27 रखी है। ठीक है, ये बहुत अच्छा लग रहा है अभी। अब ठीक है, 27 रखी है। इन सब के बाद आप अगर आपको दूसरे भी सेटिंग्स करने हैं, मतलब ये तो बेसिक्स है दोस्तों, तो आपको एक्स रोटेशन में जाकर ऐसा भी करना है। ठीक है, अब ऐसे भी 3D बनाना चाहते हो तो आप, ठीक है दोस्तों, आप ऐसे भी कुछ करना चाहते हो आप कर सकते हो, पर इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने बना लिया, राइट पर क्लिक कीजिए। अब इसका बैकग्राउंड हम हटा लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ इस चौथे ऑप्शन में चले जाएंगे और यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट का बटन है उसको क्लिक कीजिए। दोस्तों देखिए इसका बैकग्राउंड एकदम से हट गया है और अभी मैं इसको सेव करूँगा। तो सेव, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, सेव एज प्रोजेक्ट और सेव एज इमेज। तो सेव एज इमेज हम करेंगे। ठीक है, सेव टू गैलरी। देखिए दोस्तों, ये इमेज अभी सेव हो रही है। देखिए दोस्तों, सेव हो गई इमेज। अब दोस्तों इस ऐप में ऐड बहुत है, तो अब हम क्या करेंगे, मैं इसके लिए अभी एक अच्छा सा बैकग्राउंड चूज करूंगा। ठीक है, तो अभी मैं गूगल पे चला जाऊंगा। दोस्तों मुझको पता है ये वीडियो थोड़ा बोरिंग हो सकता है, पर आप इसको एंड तक देखिए। अभी मैं बैकग्राउंड दोस्तों नहीं, गूगल पे से नहीं, हम इसी ब्राउज़र में इसी जो डाउनलोड किया है वो फटाफट मिल जाता है। ठीक है, तो मैं इसी ब्राउज़र से खोलूँगा और गूगल। ठीक है, अभी मैं ये टाइप करूंगा बैकग्राउंड। ठीक है,
बैकग्राउंड। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं इमेज पे चला जाऊंगा। एक सेकंड दोस्तों, मैं एक टेबल वाली इमेज चूज करना चाहूंगा, बैकग्राउंड इमेज ऑफ टेबल, ठीक है। इससे हम जब बैकग्राउंड में ये इमेज लगाएंगे टेबल वाली, तो ये और रियलिस्टिक लगेगा कि हाँ ये 3D है। देखिए दोस्तों, तो मैं अभी सिंपली इस पहली इमेज को ही चूज कर लेता हूँ, अगर आपको कोई और भी अच्छी लगे तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए दोस्तों अभी मैं इसको सेव कर लूँगा, ये तो आप सबको आता ही है, ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। अब मैं पिक्सल लैब फिर से ओपन करूंगा, ठीक है, ये ओपन हो गया। ये न्यू टेक्स्ट को फिर से हटाएंगे, इस बार हम प्लस में जाकर फ्रॉम गैलरी, ठीक है, ये देखिए जो बैकग्राउंड है इसको चूज कर लीजिए, ये पूरा का पूरा सिलेक्ट। अब इसको हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है, ये एडजस्ट कर लिया। फिर से दोस्तों प्लस के बटन पर क्लिक कीजिए और फ्रॉम गैलरी पे, और इस बार जो है इस इमेज को आप सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये इमेज आ गए हैं, तो इसको मैं सिंपली यहाँ पे ऐसे रख लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैंने ये रख लिया, फिर मैं इसको सेव पे क्लिक करूँगा, सेव एज इमेज और सेव टू गैलरी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैंने कहा था बहुत ही ऐड आती है, ठीक है। अब हम देखते हैं इमेज कैसी है, ठीक है। देखिए दोस्तों ये इमेज बहुत ही कमाल की बनी है हमारी, मतलब एकदम रियलिस्टिक लगती है कि मैं मेरी चैनल का एक 3D बॉक्स, मतलब एक बॉक्स पे मेरे चैनल का आर्ट, मतलब मेरे चैनल का मतलब पेज बनाया हुआ है और रखा हुआ है टेबल, मतलब एकदम रियलिस्टिक लगता है दोस्तों। देखिए बहुत सारी डिटेल्स इस स्क्रीनशॉट की, जो भी डिटेल्स थी वो सब है। देखिए ये मेरा फोटो है, मैं जब ये वीडियो बना रहे तब मैंने ये की थी, ठीक है, फोटो खींची थी तब ये भी आ गया। सारी की सारी डिटेल्स हैं, कितने बज रहे थे, कितने परसेंटेज बैटरी के थे, ठीक है। बहुत रियलिस्टिक इमेज लगती है, और देखिए दोस्तों ये इमेज भी HD और बैकग्राउंड भी HD है, तो ये एकदम रियलिस्टिक लगता है, ठीक है दोस्तों। मुझ आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, और आप क्या कहते हैं इस बारे में उसको कमेंट करके जरूर लिखिए दोस्तों। बाय, जय हिंद जय भारत। अगली वीडियो में मिलेंगे, शायद नहीं भी मिलेंगे क्योंकि अभी वैकेशन है, तो मैं अपने मामा के घर जाऊंगा, तो अभी तो मैं वैकेशन खत्म हुआ तभी आऊंगा, तो शायद नहीं मिलेंगे, ठीक है, बाय।